نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वाली वसल्लम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अहम उन्वान की तरफ तमाम दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम मुसलमानों के लिए अहले ईमान के लिए एक नमूना एक उसवा हसना थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक, सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर सोने तक, बैठने से उठने तक, हत्ता के इंसान को वाशरूम का तरीका, ये सारे मामलात आकद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अनवर आला वरफा ने सिखा दिए, बतला दिए। जितनी भी इंसान इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तिलावत करता है, जिक्र अज़कार करता है, रोज़ा रखता है, इन तमाम इबादत की एक बुनियाद है, बुनियाद है तहारत, पाकी। उस पाकी में इंसान को, मुसलमान को, उसकी तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक पहलू पर भी इंसान की नज़र ना पड़ी, वो पहलू रह गया, तो जब पाक ही नहीं हुआ इंसान तो इबादत कैसे कबूल होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जो कि अक्सर लोग यकीनन ये गलती करते होंगे, वो उन्वान या वो चीज़ है गुस्ल। गुस्ल इंसान के ऊपर कब वाजिब होता है ये हर इंसान बखूबी जानता है। जब एक बंदा नापाक हो गया ख्वाब की सूरत में या ओरिजिनल किस लिहाज से भी, अब नापाकी के बाद उसने पाक कैसे होना है, तो पाक होने का तरीका भी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, पाक शरीयत की, पाक मोहम्मद की पाक शरीयत ने सारे तरीके सिखलाए। तो सबसे पहले इंसान ने वाशरूम करना होता है, फिर उस गंदगी वाली जगह को धोना होता है, इस्तिंजा करना होता है, उसके बाद वज़ू करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि गुस्ल वाला वज़ू जो होता है उसमें गरारे किए जाते हैं, मुंह के अंदर तीन दफ़ा पानी डाल करके हलक तक पानी ले जाना है, गरारे करने ज़रूरी हैं, और नाक की इस कच्ची हड्डी तक पानी पहुँचाना तीन दफ़ा ये भी ज़रूरी है। यानी यूँ समझ लीजिए कि गुस्ल के तीन फ़राइज हैं। नंबर एक, कुल्ली करना गरारों के साथ। नंबर दो, नाक में कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर तीन, पूरे जिस्म पर तीन मरतबा इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी सूखा न रहे। अगर इन तीन फ़राइज में से इंसान किसी एक फरीज़ा को या उसके किसी एक पहलू को भी छोड़ देगा तो इंसान पाक नहीं हुआ। जब पाक नहीं हुआ तो नमाजें नहीं हुई, जब नमाज नहीं तो तिलावत नहीं, जब पाक नहीं तो कोई इबादत भी कबूल नहीं। तो ये है वो गुस्ल के फ़र्ज हो गए। अब तरीका सुन्नत के मुताबिक कि सबसे पहले वाशरूम करें, उसके बाद इस्तिंजा, फिर गंदगी वाली जगह जहाँ जहाँ इंसान को पता हो, शक हो कि यहाँ गंदगी लगी होगी, उस गलावत को धो दे, फिर वज़ू करे गरारों और नाक में कच्ची हड्डी तक पानी चढ़ाने के बाद पहले
अपने सीधे कंधे पर, दाएं कंधे पर पानी बहाए, फिर दूसरा मग्घा या लोटा बाएं कंधे पर पानी बहाए, फिर सर पे पानी बहाए। ये एक दफा पानी हो गया, तीन दफा बहाना ना, ये एक दफा। उसके बाद अच्छी तरह मिल अपने जिस्म को मल ले, कानों के अंदर और बाकी उंगलियों के हलाल कर ले, धुन्नी के अंदर हाथ लगा ले, जहाँ जहाँ इंसान को पता हो शक हो कि यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, अच्छी तरह वहाँ हाथ के साथ मल ले, फिर दोबारा पानी डाले सीधे कंधे पर, फिर उल्टे कंधे पर, फिर सर पर, फिर मल ले, फिर इसी तरह सीधे कंधे पर पानी बहाए तीसरी मरतबा, फिर उल्टे कंधे पे, फिर सर पे। अब इंसान पाक हो चुका है। ये है गुसल का मोटा मोटा तरीका। इसमें जो अहम गलती की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहिए वो ये है, मसलन एक बंदा नापाक है, उसने वाशरूम में बाल्टी पानी की भरवा ली। जब बाल्टी पानी से भर गई, अब जैसे ही उसमें मग्घा डालने के लिए, लोटा डालने के लिए हाथ डालेगा, जब इंसान का खुश्क और सूखा हाथ उस पानी में जाएगा तो पूरी की पूरी बाल्टी पानी नापाक हो जाएगी। अब थोड़ा सा हाथ डालने से पानी नापाक हो गया और वो उसी पानी से नहा रहा है, उसी पानी समझता मैं पाक हो गया हूँ, जबकि वो पाक नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अहम गलती है, पानी में सूखा हाथ, यानी जिस बंदे पर गुसल वाजिब है, वाजिब गुसल कर रहा है और उसका जिस्म और हाथ खुश्क है, जब खुश्क हाथ पानी वाली बाल्टी में डालेगा, टब में डालेगा, तो जैसे ही हाथ अंदर जाएगा पानी सारा नापाक हो जाएगा। जब न पानी नापाक होगा, बेशक तब के टब भर के डालता रहे, वो नापाक नहीं होगा। उसका बेहतरीन आसान तरीका ये है कि उस पानी में से हाथ, उस पानी में हाथ डालने से पहले, उस पानी में मग्गा या हाथ डालने से पहले अपने हाथ अलग करके धो ले, अपने हाथों को गीला कर ले, हाथों की खुश्की ख़त्म कर ले। जब अपने हाथ धो लेगा, हाथ गीले हो जाएंगे, अब जब बाल्टी में डालेगा तो अब वो पानी पाक नापाक नहीं होगा। उसके बाद फिर अगला मरहले में बेशक नहाना शुरू करें जो सुन्नत के मुताबिक, अब इंसान अच्छी तरह पाक हो जाएगा। ये एक अहम और मोटी गलती जो अक्सर मेरे दोस्त भाइयों को नहीं मालूम। इस वजह से इंसान अगर नापाक है तो सारी इबादात भी कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं, और अहम इंसान पर टकरे मार रहा है। जिस तरह इंसान दुनिया के मामलात में सेब लेता है, खरबूजा लेता है, आम लेता है, जूता लेता है, अब जूते के अंदर रंग लगा हुआ है, हम मिसाल के तौर पे एक चप्पल लेते हैं वो रंगी हुई है, उसके ऊपर पॉलिश है भले के ब्राउन, लेकिन मुझे कख का नहीं पता कि ये किस क्वालिटी की है। मैं फिर भी खैर के चेक करता हूँ, कभी सूंघ के चेक करता हूँ, ये गाय का चमड़ा है जी, ये गधे का चमड़ा है जी, ये शेर का चमड़ा है जी, ये बैल का चमड़ा है जी। यानी उसका हम जूते जूते जो पाँव में डालना है उसका इतना तजस्सुस करते हैं, एक तरबूज लेना हो खड़का खड़का के चेक करते हैं जी, उंगलियां मार मार के जी, ये लाल है कि ख़राब है जी। यानी हर चीज़ दुनिया की चीज़ों में से हर चीज़ को हम परखना जानते हैं, लेकिन अगर हमारी बेतवज्जी है तो सिर्फ दीन के मामलात में, दीन को न सीखने में, सुन्नतों को न सीखने में, गुस्ल का तरीका क्या है जी, वज़ू का तरीका क्या है, वाशरूम में कैसे जाना है, वाशरूम से निकलना कैसे, अल्लाह के नबी ने सारे तरीके बता दिए। यहाँ तक कि अस्तंजा करने का, गर्मियों और सर्दियों में अस्तंजा ढेले इस्तेमाल करने का भी अलग तरीका है, गर्मी में ढेले कैसे इस्तेमाल करने हैं, सर्दियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी हमें सिखला दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब इंसान सीखने की कोशिश करेगा, जब इंसान खुद तवज्जो करेगा। इंसान तवज्जो करेगा, उलमा से पूछेगा, नेक लोगों से पूछेगा, दीनदारों से पूछेगा, तो पूछलाने से इंसान को कई चीज़ समझ आ जाएगी, जिससे इंसान की ज़िंदगी ऐन शरीयत के मुताबिक शुरू शुरू हो जाएगी। फिर इंसान अपनी भी इस्लाह करता जाएगा, और अगर किसी और की गलती देखता है उसको भी समझाता जाएगा, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में हमने ये चैनल इसको लॉन्च किया ताकि इसमें हम दीनी मसाइल, मोटी मोटी चीज़ें बताते रहें, कुछ सिखलाते रहें, सीखते भी रहें, अपनी भी याद करते रहें।
ताकि तमाम मुसलमान भाइयों को इसका फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे खिज़र मस्जिद चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को दबा के तमाम नोटिफिकेशन वाले बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे और हम नेकी फैलाने का ज़रिया बने, क्योंकि नेकी फैलाने वाले को भी बराबर का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल्लाहु।